तारीख है 13 सितंबर और दिन है शुक्रवार का। मौसम विभाग की लेटेस्ट रेन फॉरकास्ट लेकर हम हाजिर हो गए हैं, जहां हम बताते हैं कि कहां पर बारिश होगी, हल्की कहां होगी, मध्यम दर्जे की कहां होगी और भारी बारिश कहां होगी। उससे पहले हम आपको बता दें जहां हम इस वक्त खड़े हैं राजधानी जयपुर में, उस वक्त सुबह बहुत ही खुशनुमा मौसम हो रहा है, बादल छाए हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि बारिश कभी भी हो सकती है और बहुत ही एक नंबर का ये मौसम हो रहा है। फिलहाल आपको बता दें मौसम विभाग ने क्या कुछ मेन पॉइंट्स मौसम को लेकर कहा है, भारी बारिश को लेकर कही है। मौसम विभाग कह रहा है कि आज से कुछ दिन तक यानी 2 से 3 दिन तक भारी बारिश का जो दौर है, जो गतिविधियां हैं वो थम जाएंगी। अब फिलहाल भारी बारिश पूरे प्रदेश भर में कहीं नहीं होगी, हाँ मध्यम दर्जे तक की बारिश हो सकती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत की बात है। जो लोग कह रहे थे ना कि बरसात नॉनस्टॉप हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और कुछ जगहों पर भारी बारिश हो रही है जिससे काफ़ी परेशानी हो रही थी, अब आपके लिए ये एक तरह से गुड न्यूज़ है, राहत भरी न्यूज़ है कि भारी बारिश फिलहाल नहीं होगी, कुछ दिनों के लिए ये गतिविधियाँ थमी रहेंगी। हाँ, उत्तर पूर्वी राजस्थान के लिए ज़रूर मौसम विभाग कह रहा है कि हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। अब उसमें कौन कौन से ज़िले आ जाते हैं उत्तर पूर्वी राजस्थान की अगर बात करें तो जयपुर में बारिश होने की बात कही गई है, भरतपुर में, अलवर में, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक और भीलवाड़ा, ये वो ज़िले हैं जहाँ पर हल्की से मध्यम दर्जे की ही बारिश होगी, भारी बारिश नहीं होगी। हाँ, और कहाँ पर बारिश नहीं होगी, मौसम शुष्क रहेगा, मौसम का मिजाज ऐसा रहेगा कि बारिश बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है, ऐसे पश्चिमी राजस्थान के लिए मौसम विभाग कह रहा है। पश्चिमी राजस्थान में जो भी ज़िले आते हैं, चाहे बात जोधपुर की हो, बीकानेर की हो, संभाग जो है बीकानेर और जोधपुर संभाग, वहाँ पर बहुत ही छिटपुट स्थान है, ऐसे बाकायदा मौसम विभाग ने अपनी लाइन में लिखा है, छिटपुट जगह पर बारिश हो सकती है, वरना मौसम का मिजाज पूरी तरह से शुष्क रहेगा पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें। इसके अलावा कल और परसों 14 तारीख का और उसके बाद के दिनों में यानी 14 से लेकर 17 तारीख तक का मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होती रहेगी, यानी कि अब मानकर चलिए आप 17 सितंबर तक भारी बारिश बिल्कुल भी कहीं पर भी नहीं है, कुछ कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होती रहेगी, ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। आज सुबह सात बजे मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है जिसमें बताया गया है कि कहाँ पर बारिश होगी, भारी बारिश कहीं पर भी नहीं होगी। आज सुबह के जो अलर्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 जगहों के लिए कहा गया है, झुंझुनू और सीकर, यहाँ पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी, बाकी कोई ऐसे कोई ज़िले का यहाँ पर जिक्र नहीं किया है सुबह 7 बजे के रेन फॉरकास्ट में। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो जमकर बादल बरसे हैं, कल भी हमने सुबह रेन फॉरकास्ट जब बताई थी तो बताया था पूर्वी राजस्थान का इलाका में जमकर बारिश होगी, वैसा ही हुआ है। बात करें सवाई माधोपुर में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, वहाँ पर बाढ़ जैसे हालात तक बताए गए हैं, 7 इंच बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है, अपने आप में बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा सवाई माधोपुर में हुई, उसके अलावा धौलपुर, बारा और दौसा में भी काफ़ी भारी बारिश हुई है और इसके अलावा झालावाड़, करौली, प्रतापगढ़ और कोटा में भी काफ़ी बारिश हुई है। और ये हमने कहा है ना, पूर्वानुमान मौसम विभाग का सटीक जाता है, कल भी हमने यही वो ज़िले बताए थे, जिक्र किया था जहाँ पर भारी बारिश होगी और वहीं पर भारी बारिश हुई है और मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। इसके अलावा बात करें बांध बहुत सारे छलक गए हैं, करीब करीब 376 बांध हैं राजस्थान में जो छलक गए हैं, यानी कि पानी बहुत जमकर आ गया है, जो उनका लेवल था वो पूरा भर गया है, ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। जहाँ पर पानी की किल्लत होती है राजस्थान में, अंडरग्राउंड वाटर बहुत कम रहता है, ये जो बारिश हुई है इस बार बहुत शानदार हुई है। और अगर डेटास की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस बार राजस्थान में 19.39% ज़्यादा पानी बरसा है, ये बहुत बड़ी राहत की बात है। हाँ, चिंताजनक बात ज़रूर है कि किसानों को इसका नुकसान हुआ है, लेकिन अगर बात करें फ्यूचर की, आने वाले कई दिनों की, तो राजस्थान में भरपूर पानी आ गया है, अब पानी की किल्लत संभावित है कि अब कहीं नहीं होगी, अब किस तरह से प्रशासनिक अमला काम करता है इस पानी को सहेजने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मौसम की लेटेस्ट रेन फॉरकास्ट में इतना ही, आप राहत मानिए कि बारिश अब हल्की से मध्यम दर्जे की होगी, भारी बारिश नहीं होगी। फिलहाल के लिए इस मौसम अपडेट में इतना ही, अगली और लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए दीजिए कैमरा पर्सन मंजीत सिंह और नकुल देवर्षी को इजाज़त, नमस्कार।